चार डायोड लगेंगे 54.08 के और एक कैपेसिटर लगेगा 47 का 25 वोल्ट का। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये वो ट्रांसफार्मर है, रिचा कंपनी का है, 5 एम्पीयर 0.12 वाट का है, 5 एम्पीयर जो आउटपुट करेगा। तो इसमें हालांकि और इस साइड में 220 वोल्ट से ऑपरेट होगा। इसमें लिखा हुआ है 3 मंथ का वारंटी है। तो आइए दोस्तों इसको हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें दो ये रेड वायर है और दो ये हरा वायर है। तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन सा ये इसमें कौन सा एसी कौन सा है और डीसी कौन सा है। तो आइए सबसे ये चेक करते हैं कैसे। इसमें ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे 0.12, यानी 0.12 लिखा हुआ, इसका मतलब ये 0.12 इस साइड का ये जो है ये हरा वाला वायर, इस तरफ 0.12 लिखा है, इसका मतलब ये बैटरी का करंट हो गया यानी डीसी आउटपुट करेगा। और इस साइड में ये स्टिकर लगा हुआ, इसका मतलब ये इस तरफ 220 वोल्ट इनपुट होगा और आउटपुट इधर से होगा। लेकिन हम इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे कि ये बैटरी का करंट कौन सा आउटपुट करेगा और एसी किस में इनपुट होगा। देखिए दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा मल्टीमीटर पे, ये अगर रीडिंग आएगा तो इसका मतलब इधर से इनपुट होगा और इस साइड अगर बजर की रेंज पे बजर होगा यानी बीप की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब इधर आउटपुट होगा। देखिए बीप की आवाज़ आ रही है ना दोस्तों, कभी बीप कर रहा कभी नहीं कर रहा, इसका मतलब इधर इनपुट आउटपुट होगा 12 वोल्ट। अब हम इसको चेक भी कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों ध्यान से मल्टीमीटर देखिए 186 के समथिंग वोल्टेज आ रहा है लाइट का। और हम डीसी आउटपुट देखते हैं कैसे कितना करता है, इसको हम डीसी पे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम कैसे फिल्टर करेंगे ये देखिए इसमें ये चौवन 0.08 के चार कंडेंसर चार डायोड लगेंगे। देखिए इसमें एक तरफ पट्टी और एक तरफ नहीं पट्टी है, इन दोनों को पट्टियों को पहले आपस में इस तरीके से करके इस तरीके से जोड़ लेंगे, इस तरीके से जोड़ने के बाद फिर एक डायोड इसको साइड में कर लेते हैं, इस तरीके से रखते हैं। ठीक है दोस्तों आप ध्यान से देखिए पट्टी उसमें लगी और एक डायोड के बिना पट्टी वाला भाग को आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से जोड़ने के बाद देखिए एक तरफ पट्टी है बाहर ना, और इसमें देखिए दोनों में आप ध्यान से देखिए क्या है। फिर इसको हम ऐसे कर देंगे इस तरीके से, तरीके से लगाने के बाद दोस्तों इस तरीके से करने के बाद इधर देखिए ये पॉजिटिव सिरा ये नेगेटिव सिरा और ये एक तरफ नीला दोनों है। इस तरह से आपको करना है, करने के बाद आपको ये सिरा बना हुआ इसका मतलब ये नेगेटिव है, इधर नहीं बना है उधर ये पॉजिटिव है। तो जो निगेटिव वाला सिरा है दोस्तों
रेक्टिफायर में नेगेटिव वाला सिरा, इसका यानी कि ये जो पट्टी लगी हुई है इस, ये नेगेटिव है, इसका ये सिरा इसके इस पे लगेगा, यहाँ पे इस साइड पे लगेगा, इधर पट्टी नहीं है, और जो पॉजिटिव सिरा है इस साइड लगेगा, यानी यहाँ पे एसी इनपुट होगा इधर ही भी और इधर, और इधर से आउटपुट होगा, ठीक। ये डी, तो जब इधर से आउटपुट होगा तो यहाँ से निकलेगा करंट, और निकलने के बाद इस तरीके से सेम, ये मेरे पास एक ऑलरेडी बना हुआ था, इसलिए हमने दूसरा सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बना दिया है, बाकी ज़रा काम हुई है। देखिए इधर से ये मान नेगेटिव का सिरा है, तो इधर ये जुड़ा हुआ है, ये पट्टी लगी हुई है, इधर भी पट्टी नहीं है, इधर पट्टी नहीं, यानी नेगेटिव का सिरा लगा हुआ, और जो पॉजिटिव के सिरे पर लगा हुआ है उसमें दोनों साइड में इधर यहाँ भी पट्टी है, और इस वाले भी 4108 डायोड पे पट्टी लगी हुई है, और देखिए यहाँ से आउटपुट ये पॉजिटिव करेगा और इधर से ये नेगेटिव करेगा। हम इस पे एसी कहाँ देंगे, यानी जो ट्रांसफार्मर से, यानी इस जो ट्रांसफार्मर से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हम चाहे एक तार, चाहे इस पे कर दें तार, चाहे इस पे कर दें, यानी दोनों तार, चाहे इस साइड कर दें, चाहे इसको यहाँ जोड़ दें, इस तरीके से। एक सेकंड में बताता हूँ आपको, इस तरीके से चाहे एक तार यहाँ पे आप ऐसे जोड़ दीजिए, और एक तार इस पे जोड़ दीजिए, चाहे वो वाला तार इधर जोड़ दें, चाहे ये वाला तार उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए हम इसको जोड़ के देखते हैं कि कैसे क्या आउटपुट करता है कि नहीं करता है। इस तरह को आप अच्छे से जोड़ने के जोड़ दीजिए एक सिरा, और एक सिरा इसको पानी दे। ये देखिए दोस्तों, एक मिनट दिखाता हूँ, ये हमने यहाँ से इसका एसी इनपुट किया, और यहाँ से आउटपुट हमने यहाँ ट्रांसफार्मर से यहाँ से आउटपुट होगा, जो उसका हम कैपेसिटर के एक दोनों साइड में लगा देने के बाद यहाँ पे एक यहाँ पे लगाने के बाद इसको हम देखते हैं कि क्या ये आउटपुट करता है। इस तरीके से हम ब्रिज रेक्टिफायर बना लेंगे 12 वोल्ट का। आइए देखते हैं कैसे दोस्तों। हमने इसका कनेक्शन कर लिया, यहाँ से हम एसी 220 वोल्ट देंगे, और यहाँ से ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट होगा उसको हम यहाँ से फील्ड रेशन करेंगे। फील्ड रेशन के बाद जो करंट निकलेगा
ये देखिए यहाँ से हमने इसको लगा दिया है और ये डंडी। माप दोस्तों यहाँ से ये 47 U का है, 25 वोल्ट का है। यहाँ से इसका इधर साइड पट्टी नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सिरा है। यहाँ से देखिए इसमें भी 54.08 डायोड में भी पट्टी है और इस डायोड में भी 54.08 में पट्टी है, ये पॉजिटिव सिरा है इसका। और इस इधर एक नेगेटिव सिरा, ये जो पट्टी लगी हुई है ये नेगेटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा। और इस डायोड का पिछला सिरा नेगेटिव है और इस डायोड का पिछला सिरा नेगेटिव है तो यहाँ हम लगा देंगे। अब इसको हम चेक करते हैं, हम यहाँ इसका करंट दे देंगे। आइए देखते हैं, हमने यहाँ से एसी चालू कर दिया है। अब यहाँ से हम इसका करंट चेक करेंगे, इसको हम बैटरी के मोड पे रखेंगे चेक करने के लिए। और यहाँ से चेक करेंगे कि क्या वो कितने वोल्ट आउटपुट कर रही है। इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव सिरा है और ये इसका पॉजिटिव सिरा, हमने यहाँ बताया था ना दोस्तों कि अगर इसमें ये जो पट्टी लगी हुई है ये वाली पट्टी ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव वाला वायर है यानी अर्थ इसको बोलते हैं ग्राउंड। और ये वाला यहाँ पट्टी नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो हम इसको चेक करेंगे, हमने इसमें एसी 220 वोल्ट इनपुट कर दिया है। देखिए दोस्तों वहाँ 14 वोल्ट आ रहे हैं, अभी लोड नहीं है इस वजह से 14 वोल्ट बता रहा है, बाकी लोड देने पे ये 12 वोल्ट बताएगा। देखिए दोस्तों और यहाँ पे आपको कुछ नहीं शो करेगा इस वाले सिरे पे, इस वाले जब मैंने शुरू में आपको चेक करके दिखाया था तो यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा था, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा था। ये देखिए कुछ भी नहीं शो कर रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं शो कर रहा था, जबकि अब यहाँ पे करंट देखिए शो कर रहा है 10 वोल्ट, वो माफ कीजिए 14 वोल्ट, ये देखिए 14 वोल्ट। अब यहाँ से मैं स्पार्क भी करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देखिएगा, देखिए 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 कितना ज़बरदस्त है, देखिए देखिए। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो, इंजीनियर के आप इसको बना सकते हो घर पे और इजीली अपना घर का काम कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर अपने दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।